नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार, आपका भाई। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रेलवे ज्ञान में। दोस्तों, ट्रेन में सफ़र तो आप सभी करते हैं, पर कुछ ऐसे अटेंशन हमारे भारत में हैं जिनका नाम थोड़ा अजीब है। तो आज हम 15 ऐसे रेलवे अटेंशन के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी अजीब नामों से बुलाए जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा रेलवे स्टेशन का नाम सुना है जिसका नाम काला बकरा है? भारत में ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जिनके नाम बहुत ही अजीब हैं, और इन नामों को जानना अपने आप में एक काफ़ी दिलचस्प बात है। इस वीडियो में हम भारत के कुछ ऐसे ही रेलवे स्टेशनों की जानकारी दे रहे हैं जिनके नाम काफ़ी अजीब हैं। जी हाँ, तो आइए शुरू करते हैं पहला नाम। तो पहला नाम है काला बकरा, जो कि पंजाब के जालंधर में स्थित है। कितना अजीब होगा किसी को बताना कि आप काला बकरा में हैं। चलिए, दूसरा है कुत्ता। जी हाँ, कुत्ता जो है कुर्ग के दक्षिण में कर्नाटका या कर्नाटका केरल बॉर्डर के पास है। कुत्ता अपने व्यस्त जीवन के लिए जाना जाता है, परंतु यह नाम एक स्टेशन का है। क्या आप जानते हैं कि यह स्टेशन नागरहोल नेशनल पार्क से केवल 10 किलोमीटर दूर है? और आपने कभी सोचा था कि ऐसा नाम भी हो सकता है किसी रेलवे स्टेशन का? अगर वहां जाएंगे आप कर्नाटका तो एक बार जाकर के वहां जरूर देखिएगा। चलिए, तीसरा है बिल्ली जंक्शन। जी हां, बिल्ली जंक्शन जो है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश। बिल्ली जंक्शन को उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से लिंक किया गया है। इसी जंक्शन से ही सीमावर्ती राज्यों के रास्ते भी निकलते हैं। फोर्थ नंबर पे है ईब। ईब जो है वो जो है उड़ीसा में है। पूरे देश में यह सबसे छोटा नाम है रेलवे स्टेशन का। इससे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम ब्यूरो के साथ भ्रमित ना होना। पाँचवें नंबर पर है घूम। जी हाँ, घूम जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का घूम रेलवे स्टेशन भारत में सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। यह 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। छठे नंबर पर है पनौती। क्या अजीब सा नाम है रेलवे स्टेशन का। उत्तर प्रदेश से त्रिकुट जिले में स्थित। क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के त्रिकुट जिले के एक गांव के लोग चाहकर भी पनौती शब्द से छुटकारा नहीं पा सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव का नाम ही है पनौती। सातवां नंबर, तो नाम थोड़ा अजीब है भैया, सुअर। जी हाँ, सुअर जो है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित। रामपुर जिला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाला जिला है। यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रामपुरिया चाकू के लिए और एक ऐसे रेलवे स्टेशन के लिए जिसका नाम बहुत ही अजीब है, जो कि हमने आपको बता दिया है सुअर। आठवें नंबर पे हम बात करेंगे तो सिंगापुर। अगर आपको सिंगापुर घूमने का मन है तो आप सिंगापुर रोड से आप जरूर गुजरिए एक बार। और यह सिंगापुर रोड जो है उड़ीसा के रायगढ़ जंक्शन पर स्थित स्टेशन सिंगापुर रोड से भ्रमित मत हो जाइएगा कि यह सिंगापुर नहीं बल्कि भारत में ही है। मतलब कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि हम लोग सिंगापुर में आ गए हैं। कोरापुट रामगढ़ रेल रिंक परियोजना 31 दिसंबर 1998 को पूरी हो गई थी, जिसके अंतर्गत यह रेलवे स्टेशन आता है। चलिए, नौवें नंबर पे बात करते हैं दीवाना। जी हाँ, ये जो है हरियाणा में है। यह स्टेशन उत्तरी रेलवे दिल्ली के अंतर्गत आता है। इसके पड़ोसी स्टेशन है बिजनौल हॉल्ट, पानीपत जंक्शन आदि। दीवाना रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है DWNA। दसवें नंबर पर है भैंसा। भैंसा जो है आगरा के पास में है। हम सभी जानते हैं आगरा मशहूर है ताजमहल के लिए, आगरा किला और पेड़ के लिए, और साथ ही इस अजीब रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, 11 नंबर पर है बीबी नगर। जी हाँ, बीबी नगर जो है भुवनगिरी जिला तेलंगाना में है। यह स्टेशन गुटूर और सिकंदराबाद के बीच स्थित है और इसका स्टेशन कोड है BN। 12वें नंबर पर है नाना। नाना जो सिरोही जिला राजस्थान, इस स्टेशन के पास उदयपुर सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है। 13 नंबर पर है बाप, जो कि
जोधपुर के पास है, बाप रेलवे स्टेशन के पास मल्हार और सीढ़त स्टेशन है। इस स्टेशन का कोड है BAF। चौथे नंबर पर है साली, जी हाँ साली आधी घरवाली भी होती है, और यह स्टेशन का नाम है साली। स्थान जयपुर, जो कि राजस्थान में है। इस स्टेशन के पास अजमेर सबसे प्रमुख रेलवे स्टेशन है। साली रेलवे स्टेशन को स्टेशन कोड इसका है SALI। और जो आखिरी जो हमारा स्टेशन है वो है सहेली, जी हाँ सहेली जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के पास स्थित है। इस रेलवे स्टेशन के पास कीर्तागढ़ कला आखर स्टेशन है और इसका स्टेशन कोड है SAHL। तो ये 15 नाम आपको कैसे लगे हैं जो कि अजीब रेलवे स्टेशन है? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और आपसे मिलते हैं एक और ऐसे ही छोटी सी वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।